वही राजधानी रायपुर में चलाए जा रहे अभियान निजात के तहत तिलदा नवेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि तिलदा निवासी रुपेश जांगड़े तिलदा रेलवे फाटक के पास 2 किलो गांजा को सफेद थैले में लेकर बेचने के फिराक में घूम रहा था। इसी दौरान तिलदा नवेरा के पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर आरोपी युवक को धर दबोचा। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने की फिराक में घूम रहा है, जिस पर पे सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और तत्काल थाना तिलदा की पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रुपेश जांगड़े तिलदा का रहने वाला बताया, जिसकी तलाशी लेने पर 2 किलो लगभग अवैध मादक पदार्थ पाया गया, जिसको विधिवत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।